everyone, this is Shazli and welcome back to my channel. If you guys love my videos, if you guys want to watch more of my videos, तो आप लोग Unacademy की learning app download कर सकते हो. मुझे वहाँ पे search करना, मुझे वहाँ पे follow करना और वहाँ पे मेरे बहुत सारे videos हैं जो course के form में मैंने upload करके रखे हुए हैं. चाहे वो previous year papers का solution आप बोलो, चाहे वो topics बोलो, मैंने बहुत सारे courses वहाँ पे create करके रखे हैं. आप वहाँ पे वो courses free of cost जो है देख सकते हो. इवन आप मेरे लाइव सेशंस के लिए भी वहाँ पे एनरोल कर सकते हो. तो जल्दी से Unacademy की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना. हे एवरीवन, दिस इज Shazli एंड वेलकम बैक. आज हमारी पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री एमसीक्यू सीरीज़ की हमारी, जहाँ पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. जैसे कुछ लोग आप लोग बोल रहे हो एमसीक्यूज़ को बढ़ाने के लिए, तो हाँ मैं एमसीक्यूज़ को बढ़ाऊंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली. अभी डेढ़ महीने का टाइम है आपके पास में, ठीक है? तो मैं धीरे 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 करके आपके एमसीक्यूज़ जो है बढ़ा दूंगी, 8 कर दूंगी, 10 कर दूंगी, फिर 20 कर दूंगी. मैं एमसीक्यूज़ को बढ़ाते जाऊंगी, उसकी टेंशन ना लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अभी जितना चल रहा है उतना उसको चलने दो, मैं धीरे 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 करके उसको बढ़ा दूंगी. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी वीडियो को. क्वेश्चन नंबर वन, आज की ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके, मैं देखो मैं हर एक जो है सीरीज़ में, हर एक वीडियो के अंदर, हर एक पार्ट में एक डिफरेंट टॉपिक उठाती हूँ एंड उससे क्वेश्चंस रहते हैं आपके. तो आज के बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है. पिछले वाले में जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपके बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट से थे, उसके पहले HRM की यूनिट से थे. तो मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर वन, Which of the following is not true in regard with capital budgeting? Capital budgeting के केस में इनमें से कौन सा जो है वो true नहीं है, ठीक है? यानी false statement पूछ रहा है. अभी जिन लोगों ने मेरी live session करी होगी Unacademy में, मैंने एक live session लिया था capital budgeting का, तो जिन्होंने वो session करके रखा होगा तो उनको काफ़ी easy हो जाएगा answer करना. और ये जितने भी questions आज के इसमें इंक्लूड करे हैं, ये मैंने previous year के questions इंक्लूड करे हुए हैं. ऑप्शन नंबर ए है, कैपिटल बजटिंग रिलेट करता है असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से. ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है. ऑप्शन नंबर सी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो संक कॉस्ट की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं. ऑप्शन नंबर डी, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट. अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है. ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है. हाँ बिल्कुल, हम लोग कट ऑफ रेट पे ही तो लेके चलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लेके चलते हैं कि उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए. जो प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट्स उतना नहीं दे रहे होते तो हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, यही करते हैं हम लोग. ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है, टाइमिंग कैश फ्लो की रेलिवेंट होती है. बिल्कुल, कैश फ्लो की टाइमिंग भाई कब आ रहा है वो तो रेलिवेंट होगा ही हमारे उससे पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो संक कॉस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, जबकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है ना उसको हम लोग संक कॉस्ट मानते हैं क्योंकि उनको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना, अब तो हो गया है वो इन्वेस्टमेंट. इन फ्यूचर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं कैपिटल बजटिंग में, फ्यूचर डिसीजंस की बात करते हैं. जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका हम कुछ नहीं बात करते हैं. हमें जो इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स लेने होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, उनके रिगार्डिंग हम कैपिटल बजटिंग के अंदर बात करते हैं. तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स. कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होती है आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, दूसरी होती है हमारी डॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. याद रखना, जितनी भी आपकी टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी डिस्काउंटेड टेक्निक्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम टू. खाली दो ही ऐसी टेक्निक्स हैं आपकी जो आपकी नॉन डिस्काउंटेड में आती हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर को कंसिडर नहीं करती हैं. वो हैं आपकी, एक तो पे बैक पीरियड, दूसरा आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. एकदम टिप्स पे याद कर लो, दो टेक्निक्स जो डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर नहीं करती है, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ से इतना याद कर लिया, क्वेश्चन पे आ जाओ. डिस्काउंटिंग मेथड्स डज नॉट इंक्लूड, कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि डिविजिबल होते हैं कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन के अंदर,
उस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। लाइव सेशन में ये बात बार बार मैंने बोली थी कि कौन सी टेक्निक को हम लोग सुपीरियर रखते हैं नॉर्मल केसेस में या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के केसेस में, और कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन में सुप्रीम पे रखते हैं। तो जब भी कैपिटल रेशनिंग की हम बात करते हैं उस केस में जो सबसे अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है ना हमारी, वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए NPV, दैट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर ऑप्शन नंबर डी पे बैक पीरियड। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन के अंदर। PI इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड अपॉन। जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? भाई जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं अपना कैपिटल बजटिंग के अंदर, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। मैंने आप लोगों को जैसे बताया हुआ है ऑलरेडी कि कभी भी आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी इस टाइप का अगर आता है कोई ऑप्शन तो 99% केसेस में वही आपका आंसर होता है। लेकिन कभी भी अंधी मत मार देना कि मतलब वो लिखा है तो इसका मतलब वही आंसर है, 1% चांसेस अभी भी होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोथ ए एंड बी मारेंगे तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर नहीं है आपका। कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग होता है, क्या हम कंपाउंडिंग करते हैं वहाँ पे? क्या हम कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट की या किसी भी चीज़ की? हम नहीं कर रहे होते हैं कंपाउंडिंग, हम डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं हम, जो भी होता है 10% 12% का रेट जो भी होता है हम डिस्काउंटिंग करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना प्रेजेंट वैल्यू का, वो बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन विच मेथड एक्यूरेट चॉइस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इन केस ऑफ फर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल रेशनिंग। यानी अभी कैपिटल रेशनिंग की जब हमने बात करी थी तो अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा था हमारा, तब हमारा उस केस में अप्रोप्रिएट मेथड था हमारा कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब अगर कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन नहीं है, प्रोजेक्ट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉर्मली कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन नहीं है, उस केस में कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है? ऑप्शन नंबर ए IRR, दैट इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स्ड। ऑप्शन नंबर सी पे बैक पीरियड, या ऑप्शन नंबर डी NPV, दैट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सुपीरियर मेथड हमारा कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में कौन सा माना जाता है? NPV माना जाता है। केवल कैपिटल रेशनिंग की जो सिचुएशन होती है वहाँ पे हम लोग PI को सुपीरियर मानते हैं, PI को मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड उस केस में मानते हैं, अदर देन दैट NPV को प्रेफर किया जाता है। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आपकी लैक कर रही है, अगर किसी भी चीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रिपरेशन लैक कर रही है, टाइम जैसे नहीं है, तो अगर आप लोग चाहो तो कॉमर्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं UGC NET कॉमर्स जो दे रहे हैं दिसंबर में, वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरा नंबर आपका स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी मैं, या टाइटल में भी मैंशन होगा, आप उस पर प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सएप के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो much guys।